ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन हमलावरों ने संचित शर्मा उर्फ सिंगा पंडित को लाठी डंडे रॉड से पीटा। स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का करीबी माना जाता है सिंगा पंडित। इस मामले में पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है, सुनते हैं एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे को। थाना बीटा 2 अंतर्गत P3 गोल चक्कर पे शाम के समय संचित शर्मा नाम का व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ गाड़ी से जा रहे थे, तभी ब्लैक स्कॉर्पियो सवार कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट में उनके पैर में चोट लगी है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। संचित शर्मा व उनके साथियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं है। इसमें 4 टीमें लगाई गई हैं जो CCTV व अन्य तकनीकी बिंदुओं का परीक्षण कर रही हैं। अब तक लगभग 1 दर्जन से अधिक CCTVों को देखा जा चुका है। टीम लगातार लगी हुई है, इसमें दोषियों की पहचान करके उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सिंगा पंडित के घायल होने की सूचना पाकर स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा कैलाश अस्पताल पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखिए, मैं आज उत्तराखंड था और वहां से मैं भी आया सीधे। मुझे वहीं पर जब मैं एयरपोर्ट पर था तो मुझे सूचना मिली कि मेरी पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री महेश शर्मा और मेरी एक कार्यकर्ता संचित और तीसरे कार्यकर्ता शिवम पर एक जानलेवा हमला हुआ है। कुछ लोग 2 गाड़ियों में आए, जैसा कि गाड़ियों का रंग उन्होंने पहचाना है, काले रंग की स्कॉर्पियो और एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो। रेडिसन होटल ग्रेटर नोएडा के पीछे की ये घटना है और उस जानलेवा हमले के बाद उन लोगों ने रिवॉल्वर पिस्टल तानी उन पर और रॉड से हमला किया। रॉड से हमला करने के साथ उसको यहाँ पर शायद मरा हुआ छोड़कर, जैसा कि मुझे उस संचित ने बताया, अभी मैंने उससे बात करी है, उन्होंने सोचा कि मरा हुआ छोड़कर वो उसे वहाँ से भाग गए रिवॉल्वर और गोलियां लहराते हुए। कष्ट है कि मेरा एक मंडल अध्यक्ष, मेरी पार्टी का मंडल अध्यक्ष और मेरे एक कार्यकर्ता पर इस तरह इस शहर में, ग्रेटर नोएडा शहर में, इस तरह का जानलेवा हमला दुखदाई है। हमें विश्वास है पुलिस पर पूरा और पुलिस को हम कुछ समय देंगे। अगर पुलिस जो दोषी लोगों को पकड़कर सजा देती है, अगला कदम पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से भी हम अब से 36 घंटे बाद ही अपने कार्यकर्ताओं का संरक्षण करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, जिसे हम पूरा। किसी पे शक जाहिर हुआ? देखिए, यह जांच का विषय है। हम पुलिस जिस समय सिंगा पंडित पर हमला हो रहा था उसके साथ शिवम नाम का शख्स भी था। आखिर क्या कुछ हुआ घटना स्थल पर, सुनते हैं शिवम की जुबानी। हम GNS प्लाजा रेडिसन के बराबर में प्रॉपर्टी का ऑफिसर अर्पित तिवारी भैया हैं, जो मंडल के उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके ऑफिस से निकल रहे थे यथार्थ की तरफ। यहाँ मैं इस भैया की गाड़ी गई थी, मैं वहाँ जाना था। हम वहाँ से निकले होंडा चौक होके सीधा, हमने जतन भाटी गोल चक्कर से राइट लिया यथार्थ की तरफ। तो एक गाड़ी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पहले धीमे धीमे चल रही थी, उसके बाद थोड़ी सी आगे चल गई, कोई 100 मीटर से चल के एकदम उन्होंने गाड़ी भिड़ा के एकदम गाड़ी लगा। वो तुरंत गाड़ी में से उतरे और उन्होंने सीधी लोहे की रॉड निकाल के गाड़ी के शीशे पर तुरंत हमला किया और पिस्टल उनका हथियार थे, उन्होंने पिस्टल तुरंत तान दी। उसके बाद मंडल अध्यक्ष महेश भैया पिस्टल तान दी, महेश भैया थोड़े से पीछे घोटे, रोड थी लोहे की, तुरंत उन्होंने पिस्टल तान दी महेश भैया पे और बाहर निकाला। और जैसे संचित सिंगा भाई पीछे बैठे थे, उन्होंने गाड़ी पे मतलब रोड मारने के बाद तुरंत खिड़की खोली और मारना स्टार्ट कर दिया रोड से, लोहे की पिस्टल लग रही थी हाथों में, पिस्टल लग रही थी हाथों में। तो निशाना सिंगा पंडित ही थे या फिर आप थे क्या? संचित भैया को उन्होंने टारगेट किया। कितने लोग थे, कितनी गाड़ियां थी? उस गाड़ी में 6-7 लोग थे, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी। किसी को कोई पहचान पाया? किसी का चेहरा पहचान में नहीं आया और हथियार थे उनपे,
वो उन्होंने फिर रोड बजानी चालू कर दी, तैयार थे उन पर। हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा जी, उन पर उन्होंने पिस्टल तान दी। तो कुछ कह रहे थे मारते वक्त, कुछ बात हो रही थी मतलब? कहने तो उन्होंने सीधा के हमला कर दिया एकदम, एक साथ ही, मतलब हड़बड़ी में पता नहीं चला, उन्होंने तुरंत पिस्टल तान दी। मतलब मारपीट करते वक्त कुछ कह रहे हो? मारपीट मतलब हम लोग भागने लगे तुरंत उन्होंने और पिस्टल तान दी। उसके बाद एक वाइट स्कॉर्पियो भी आई, उसमें भी कुछ लोग थे, उन पर भी हथियार थे।